बात करने जा रहे हैं कि हमारे घर में बढ़ते तनाव, कलह और वाद विवाद के पीछे आखिर क्या कारण है। मैं आचार्य मोहिनी आपको उपाय के साथ कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके जीवन में सुधार आ सके। घर में आपसी तनाव और कलह का कारण अहम है, शक है और आत्मविश्वास की कमी है। साथ में हमारी जीवन साथी के प्रति इतनी उम्मीदें होती हैं जो हम अपनी सोच में बना लेते हैं और सामने वाले से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी सोच के अनुसार चले। इसी से घर में वाद विवाद बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, जिसमें सबसे बड़ा कारण अहम है। आपसी तनाव और झगड़े का कारण अहम ही है, क्योंकि हम सामने वाले को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। अगर आप सोचें कि आप सामने वाले को सुधार सके तो ऐसा नहीं होगा। हम सामने वाले को नहीं सुधार सकते, इसके लिए हमें अपने ऊपर ही काम करना होगा, क्योंकि ये रिश्ता एक से नहीं होता, ये रिश्ता पति पत्नी दोनों से होता है। अगर दोनों मिलकर अपने व्यवहार को सुधारें, अपने ऊपर कुछ काम करें और साथ में कुछ उपाय करें तो ही आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आप समझ सकते हो कि ये कलह आप दोनों के ऊपर कितना अवसाद बढ़ा देता है, आपके साथ रह रहे आपके बच्चों पर कितना तनाव खड़ा कर देता है, उनकी मानसिक ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कि आधे से ज्यादा जीवन उनका भी तनाव से ही निकलता है। हम लोग विवाह से पहले क्या करते हैं कि किसी पंडित के पास गुणों को मिलाने के लिए जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि 36 गुण मिलने पर आपका जीवन सही चल पाएगा, क्योंकि 80% लोग गुण मिलाकर ही सेटिस्फाई हो जाते हैं और विवाह के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गुण मिलाने के बाद ऐसी बहुत सी चीजें और भी देखी जाती हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जीवन में कभी भी हम अगर उन गुणों को समझें और कहे हुए व्यवहार को सुधारें और साथ में हम ये भी देखें कि अगर हमारी कुंडली के अनुसार जो कमी है हम उस पर काम करें और विवाह से पहले ही अपने आप को सुधारें तो वैवाहिक जीवन सुधर सकता है। कभी कभी कुछ समय कुछ क्षण ऐसा आता है जिस वक्त दोनों में से किसी का गुस्सा पीक पर होता है। अगर सामने वाला दोनों में से एक ही उस समय कुछ समय के लिए चुप हो जाए या अपने आप को संभाल ले तो वो समय तो निकल जाएगा और उस समय में जो इतना तनाव खड़ा होना था वो भी नहीं होगा, जिससे कि सामने वाले को भी धीरे धीरे समझ में आएगी कि मेरे गुस्से की वजह से ही शायद ये सब हो रहा था। इसी तरह हमें सबसे पहले अपने पर काम करना है, इससे आपको खुद ही एहसास होगा। जीवन साथी से बैठकर बात कीजिए कि क्यों हमारे बीच में इतना प्यार होने के बाद भी इतना तनाव हो रहा है, और साथ में आप कुछ उपाय कीजिए और उन उपाय करने के बाद आप देखिए और अपने व्यवहार को सुधारने के बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में सुधार अवश्य आएगा। हम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपने जीवन को खत्म तक करने की सोच बैठते हैं, तलाक तक लेने की सोच बैठते हैं। आप कुछ समय अपने आप को वक्त दें और दोनों मिलकर बैठकर सोचें, उपाय कीजिए, उपाय से भी बहुत फर्क पड़ेगा। उपाय के लिए आपको उपायों पर समर्पित होना पड़ेगा। मंगलवार के दिन आप एक तांबे का सिक्का या 5 बेसन की मिठाई के पीस या 5 लाल मिर्च किसी सुनसान जगह पर जाके दबा दीजिए और ये चीजें आप दोनों को मिलकर करनी है। और दूसरा, आपको किसी जगह पर जल की व्यवस्था करनी है, क्योंकि हर जगह जल पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोगों को जल के लिए पीने के जल के लिए भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। आप वहां पर जल पहुंचाइए, आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव आएगा। किसी शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन एक पीला कपड़ा लीजिए, उस पीले कपड़े के अंदर चने की दाल, पीतल का दीपक, थोड़े से पीले चावल, शहद, केसर, और आप उसको बांध लीजिए और वीरवार को आप किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को जाकर दीजिए। अष्टमी के दिन आप व्रत रखिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन आप व्रत रखिए
और शाम के समय आप खीर बनाए, खीर बनाकर छोटी कन्या को घर बुलाकर उसे खिलाए, साथ में सफेद कपड़े के अंदर थोड़े से चावल बांधकर आप उस कन्या को भी दें। हम अपने घर में माता पिता को भूल जाते हैं, उनका सम्मान करना भूल जाते हैं। हमें उनका सम्मान करना है और सम्मान के साथ किसी भी उपलक्ष्य पर, जन्मदिन है या कोई भी दिन त्योहार है, उनको कुछ ना कुछ जरूर दें, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। वो आपसे कभी किसी चीज का लालच नहीं रखते। अपने बुजुर्गों के निमित्त भी कुछ ना कुछ निकालते रहिए। सबसे पहली रोटी सुबह गाय को निकालिए, सूर्य को जल दीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी सकारात्मकता आती है। मंगलवार के दिन किसी शीशे के बर्तन में दूध डालकर किसी को देकर आए, और मंगलवार के दिन ही शाम को लाल कपड़े में कुछ पतासे लीजिए और पतासे मंदिर के बाहर खड़े होकर बाहर बच्चों को बांटे। लेकिन ये उपाय आपको मिलकर करने हैं। मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए और घर में हलवा बनाएं और बाहर बच्चों को बांटें। किसी भी अमावस या किसी पूर्णिमा के दिन आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, नारायण कवच का पाठ कीजिए, और जैसे किसी मौसम का परिवर्तन होता है तो आप उस दौरान पूर्णिमा अमावस के आसपास किसी जल स्थान पर जाइए और आप अपनी जेब के अनुसार वह कुछ ना कुछ जरूरतमंद को देकर जरूर आए। 5 या 11 पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते या आम के पत्ते, उस पे राम राम का नाम लिखिए और वो किसी जल में परवा कीजिए। देखिए आपकी नकारात्मकता कैसे सकारात्मकता में बदलती है। आपके घर में अगर शीशा है तो आप उसको बेडरूम में ना रखिए। अगर वो शीशा आपके बेडरूम में है भी तो आप उसे कवर करके रखिए। आपके बेडरूम में किसी भी तीखी चीजें, जैसे किसी औजार की या किसी मारपीट की या कोई युद्ध करते हुए या कोई लड़ाई झगड़े वाली किसी उदासी वाली तस्वीर आपके शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। आप ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, इन छोटे छोटे सुधार को अपने जीवन में अपनाएं, और ये काम अगर आप कोशिश करें तो दोनों मिलकर करें, आपके जीवन में सुधार अवश्य आएगा। अपनी अहम की भावना को दूर रखें, आपस में बैठकर बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, एक दूसरे की कमियों को निकालने के बजाय ये समझे कि उन कमियों को कैसे ढालकर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप ये सब छोटे छोटे उपाय या छोटे छोटे ये टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो मैं विश्वास रखती हूँ कि आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी चीज बदली नहीं जा सकती, उसको पहले रोकना है, फिर उसको सुधारना है, फिर उसे बदलना है, फिर आप अपने जीवन में देखिए सुधार अवश्य आएगा। तो मैं चारे मोहिनी अपनी इस बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने मन की बात जरूर कीजिए। मैं जल्दी ही आपके सामने किसी नए विषय के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।